हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इस रिज़ॉर्ट का वीडियो कि कैसे कैसे ये रिज़ॉर्ट बना हुआ है और क्या क्या यहाँ पर फैसिलिटीज़ हैं। तो चलिए फिर देखते हैं अंदर जाके कि कैसे कैसे ये रिज़ॉर्ट बना हुआ है। तो गाइस, गाड़ी पार्क करके फिर हम जब आते हैं अंदर को, तो फर्स्ट आता है रिसेप्शन। तो ये यहाँ पर रिसेप्शन है इनका। तो यहाँ पे जो मेन एंट्रीज वगैरह होती है वो करवानी होती है। तो चलिए चलते हैं अंदर।
है नीचे नदी में जाने का रास्ता, तो अभी हम जा रहे हैं नीचे नदी में। तो मतलब इतनी ज़्यादा भी नहीं है ये नदी, बारिश की वजह से थोड़ा सा बड़ी हुई है, तो और सारे लोग भी आ रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए तो ये जो नदी आ रही है ना, ये है गर्जिया वाली, जो गर्जिया देवी में बहती है। तो गर्जिया का ब्लॉग मैं डालूंगी, अभी मेरे पास वो पेंडिंग रखा हुआ है वो ब्लॉग, तो उसको एडिट करने का टाइम नहीं मिल रहा था क्योंकि काफ़ी लंबा ब्लॉग है। तो जब मैं उस ब्लॉग को डालूंगी तब आप देखिएगा। गर्जिया मंदिर भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और यहाँ से सिर्फ 7 किलोमीटर है सिर्फ दौड़ से। तो अभी हम जा नहीं रहे हैं वहाँ पर क्योंकि लेट हो गई है। तो ये ज़्यादा बड़ी नदी नहीं है, मतलब नॉर्मल ही है, अभी मैंने वॉइस ओवर इसलिए नहीं किया था क्योंकि नहीं ज़रूरत लग रही थी मुझे कुछ भी वॉइस ओवर करने की। तो अभी मैं आपको लेके जा रही हूँ रेस्टोरेंट की तरफ, तो चलिए दिखाती हूँ मैं आपको रेस्टोरेंट में। तो रेस्टोरेंट में बताने लायक है बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को, तो चलिए फिर चलते हैं। तो ये हम इंटर हो गए हैं रेस्टोरेंट की तरफ को, और ऐसा लुक है रेस्टोरेंट का। तो यहाँ पर ना बहुत सारी चीज़ें लगा रखी हैं, तो ये लिस्ट लगा रखी है सबसे पहले कि यहाँ पर कौन कौन से एनिमल्स हैं जिम कॉर्बेट पार्क में। दूसरा ये लगा रखा है कि कितने एरिया में जिम कॉर्बेट है। ये जो मैप्स हैं ये लगा रखा है कि एरिया कितना है जिम कॉर्बेट का। तो यहाँ पर ना जिम कॉर्बेट की हिस्ट्री लिखी गई है काफ़ी जगहों पे, तो मैं भी आपको एक शॉर्ट में हिस्ट्री बता देती हूँ। तो जिम कॉर्बेट बेसिकली किसी शिकारी के ही नाम पे रखा हुआ है, उनका नाम खुद का नाम जिम कॉर्बेट था। तो वो बहुत ही अच्छे शिकारी थे, तो जब भी गढ़वाल या कुमाऊं में ऐसे आदमखोर बाघ जो लगते थे तो उनका शिकार करने के लिए बुलाया जाता था इनको। तो हुआ ये कि जब यहाँ जिम कॉर्बेट की तरफ गांव थे वहाँ पे बाघ लगा, तो 436 लोगों को उस बाघ ने शिकार बनाया था अपना। तो फिर उस बाघ को मारने के लिए इनको बुलाया गया था जिम कॉर्बेट को। तो उन्होंने चलो बाघ तो मार दिया, वो मतलब ये जो खाल वाल का बिजनेस था वो भी करते थे, लेकिन उन्होंने फिर सोचा कि यार मैं इतने बाघ मार रहा हूँ तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, बाघों की संख्या जो है वो घटती जा रही है, तो अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। उन्होंने अपना विचार चेंज कर दिया। तो उन्होंने क्या किया कि जो ये जिम कॉर्बेट पार्क बनाया गया है इन्होंने ये संरक्षित कर दिया ताकि जो जानवर हैं वो ईजिली रह सके, और उधर मतलब जो आबादी है वो नहीं बसाई गई है, तो इसलिए इस जो जिम कॉर्बेट का नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पड़ा। तो यहाँ पर 7 बजे एक डॉक्यूमेंट्री मूवी लगाई जाती है जिसमें मतलब जो बाहर से जो टूरिस्ट आते हैं वो देखते हैं मूवी को, बताया जाता है कि क्यों इसका नाम ऐसा पड़ा। तो दीदी ने और बच्चों ने देखी थी ये मूवी, मैंने तो नहीं देखी, मैं गई नहीं थी मूवी देखने के लिए। तो दीदी ने मुझे ये हिस्ट्री बताई यहाँ की, और इन जो ये पोस्टर्स वगैरह यहाँ पे लगा रखे हैं उसमें भी लिखी हुई है ये हिस्ट्री। तो बाहर मैंने आपको दिखा दिया है कि ये बाहर जो बैठने वाला सीन है, अगर आप मतलब अंदर बैठ के नहीं खाना खाना चाहते हो तो बाहर बैठ के भी नदी के किनारे आराम से व्यू इंजॉय करते हुए अपना चाय कॉफ़ी ले सकते हो, खाना भी खा सकते हो। तो ये तो रहा रेस्टोरेंट वाला पार्ट, तो चलिए अब चलते हैं रूम्स की तरफ। अब मैं आपको दिखाती हूँ रूम्स।
तो रूम्स में एंटर करते हुए पहले ये कैटल रखी हुई है, आपको चाय कॉफ़ी अगर कुछ लेनी है तो वो ले सकते हो। यहाँ पे लगा रखा है मिरर, तो काफ़ी बड़ा मिरर लगा रखा है। और ये दीदी वाला रूम है वो दिखा रही हूँ मैं आपको, तो थोड़ा सा मतलब उथल पुथल हो रखी होगी, कोई बात नहीं है क्योंकि बच्चों के साथ थोड़ा सा हो ही जाता है। और ऊपर से ये मतलब ये टावल वगैरह भी दीदी ने अंदर ही सुखा रखा है क्योंकि बाहर बारिश हो रही है। तो दोनों बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं, टीवी का लगा रखा है यहाँ पे सेटअप सारा। और ये रहा बेड, और ये बच्चों के लिए एक मतलब अलग से बेड लगवाया है। तो यहाँ पर इस टाइप से ही बना रखा है उन्होंने, मतलब ईंट जो है ईंटों पे ही पेंटिंग करी हुई है। ये आपको दो बैठने के लिए सोफे मिल रहे हैं। और ये है रूम का व्यू, तो रूम से ऐसा डोर हम ओपन करेंगे तो पीछे से आएगी एक बालकनी, तो आप आराम से बालकनी में बैठ के बाहर के नज़ारे इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए मैं खोलती हूँ अब अपने वाला रूम। तो ये है हमारे वाला रूम, तो ये काफ़ी साफ़ सुथरा दिख रहा होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मतलब ये हमारा रूम था लेकिन मैं दीदी लोग तो उस वाले रूम में सोए थे जो मैंने आपको इससे पहले बताया था। और ज़्यादा बैठना बैठना उसी वाले रूम में हो रहा था क्योंकि वहाँ पे सब वहीं बैठे हुए थे, तो वहीं बैठना हो रहा था, इसलिए ये साफ़ सुथरा दिख रहा है। तो ये रहा व्यू रूम का, तो बहुत ही अच्छी सर्विस है इस रिज़ॉर्ट की और काफ़ी बड़े एरिया में है, तो मतलब बच्चे भी अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। स्विमिंग पूल वगैरह मैंने आपको दिखाई दिया है, सब चीज़ें हैं यहाँ पर। तो अगर आप लोगों का भी कभी प्लान बनता है तो आप लोग भी यहाँ इसको बुक कर सकते हो। और नीट एंड क्लीन है सबसे बड़ी बात, खाना वाना सब कुछ परफेक्ट है। तो यहाँ पर ना इंडोर और आउटडोर गेम्स भी हैं, वहाँ मैं गई नहीं उधर की तरफ, तो वहाँ भी मैं आपको दिखाती, लेकिन उधर वो मतलब काफ़ी रूम से काफ़ी दूर है आगे जाके है, तो इसलिए नहीं दिखा पा।